नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। लेकोसाम 200mg टेबलेट के ऊपर आज का वीडियो है, जो कि टोरेंट कंपनी का होता है और डॉक्टर की बिना परमिशन के आपको ये दवाई नहीं लेना चाहिए। देखिए, मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ये, और मिर्गी के दौरे झटके जब आते हैं तो उस कंडीशन में इस टेबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की परमिशन के बाद आपको करना चाहिए। देखिए, एबनॉर्मल एक्साइटमेंट जो होता है ब्रेन में, जो सोडियम चैनल जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उनको इनएक्टिव करने के लिए इस टेबलेट का यानी लेकोसेमाइड टेबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। जब अति सक्रियता हो जाती है चैनल, सोडियम चैनल की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, तो मिर्गी के जो दौरे होते हैं या इस तरह की स्थिति होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए लेकोसाम 200mg टेबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की पसंद के बाद किया जाता है। डॉक्टर एडवाइस देते हैं, फिर इस दवाई को लेने का होता है। देखिए, होता बस यही है कि जो एबनॉर्मल एक्साइटमेंट जो होती है हम लोगों की, जिनको भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये इसका फार्मूला है, काम करने का तरीका है। जो नर्व सेल्स होती हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और इस समस्या से निजात पाने के लिए, निजात दिलाने के लिए डॉक्टर लेकोसाम 200mg टेबलेट का इस्तेमाल करने को कहते हैं। देखिए, इस टेबलेट का उपयोग डॉक्टर सवेरे शाम भोजन के बाद लेने को बोल सकते हैं, और जैसा भी डॉक्टर बताएं वैसा आपको इस दवाई को लेना चाहिए। देखिए, इस दवाई के साथ जो नींद की गोलियां होती हैं उसको नहीं लेना चाहिए। वैसे तो डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसके आधार पर हमको काम करना चाहिए। अच्छा, इस टेबलेट को लेने के बाद हल्का सा सेडेशन होता है, तो इस स्थिति में गाड़ी चलाने का काम आप ना करें। कुछ धुंधला और कुछ चक्कर जैसा आपको आ सकता है, ये हल्के पुलके इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं लेकोसेम 200 टेबलेट के। तो इस तरह से हल्के फुलके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ये लेकोसाम 200, तो मिर्गी के इलाज में ये काम आती है। और जो सोडियम चैनल जो ज़्यादा एक्टिव होता है, इसको इनएक्टिव करने का जो काम है वो लेकोसेम 200 करता है। तो मोटा मोटी ये उपयोग है इसका। डॉक्टर की पसंद के बाद इस टेबलेट का सेवन आपको करना चाहिए। तो उम्मीद की ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।